हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंबा इलेक्ट्रिकल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक सॉकेट, तीन स्विच और एक रेगुलेटर जो कि फैन के स्पीड को चेंज करता है, इसके वायरिंग के बारे में समझेंगे। इस बोर्ड में सॉकेट के बगल में जो स्विच है वो सॉकेट के लिए है और रेगुलेटर के बगल में जो स्विच है वो रेगुलेटर के लिए है। इस बोर्ड में एक स्विच फ्री है जिसको हम बल्ब के लिए यूज करेंगे। आइए अब हम इस बोर्ड का वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम दो कलर का वायर लेंगे, रेड और ब्लैक। यहाँ पे रेड वायर फेज है और ब्लैक वायर न्यूट्रल है। रेड वायर को हम 3-पिन सॉकेट के एल वाले नट में फिट करेंगे और उसी वायर को स्विच के ऊपर वाले नट में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम रेड वायर को तीनों स्विच के नीचे वाले नट में कनेक्ट करेंगे और वहीं से हम रेड वायर को मेन लाइन के लिए बोर्ड से बाहर कर देंगे। अब हम ब्लैक वायर लेंगे और उसको 3-पिन सॉकेट के एन में कनेक्ट करके उसके दूसरे पॉइंट को मेन लाइन के लिए बोर्ड से बाहर कर देंगे। रेगुलेटर में जो दो वायर है उसमें से एक वायर को हम रेगुलेटर के बगल वाले स्विच के ऊपर वाले नट में कनेक्ट करेंगे। रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसमें हम बल्ब के एक वायर को कनेक्ट करके उसके दूसरे वायर को 3-पिन सॉकेट के एन में कनेक्ट करेंगे। इसमें जो बीच वाला स्विच है जिसमें हम बल्ब वाले एक वायर को हम स्विच के ऊपर वाले नट में फिट करेंगे और उसके दूसरे वायर को फिर से सॉकेट के एन में कनेक्ट करेंगे।
आइए अब हम बोर्ड को फिट कर लेते हैं। अब हम इस बोर्ड को चेक करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।